इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की हमारी एक और मेथड है जिसको कि हम फोर्थ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। ये मेथड जो है वो हम अप्लाई करते हैं केवल और केवल सल्फाइड ओर के लिए। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू हम सल्फाइड ओर्स का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि हमें एक टैंक लेना होता है, इस टैंक में हमें ऑयल एंड वाटर जो है वो भरना होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं एयर को ब्लो करते हैं, एयर पास करते हैं। तो एयर पास होने पे ऑयल एंड वाटर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे फोम बनता है, झाग बनता है। तो यहाँ पे देखो ये झाग बन रहा है, फोम बन रहा है। यहाँ पे हमें ऑयल जो है वो सस्ता ऑयल यूज करना है। तो हमारे सस्ते ऑयल जो है वो आपका पाइन ऑयल हो सकता है, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सस्ता ऑयल जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो फोम बना है, ये जो झाग बना है, फ्रोथ बना है, ये क्या करता है अपने साथ सल्फाइड ओर को जो है वो ऊपर ले जाता है। फिर हम यहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर के तौर पे हम यूज करते हैं क्रिसोल एंड एनिलीन। तो क्रिसोल हमारा कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये हमारा टोलुइन है, ऑर्थो पोजीशन पे ओएच लगा तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन हो गया, ये क्रिसोल कहलाता है। एनिलीन जो है वो बेंजीन के ऊपर जो है वो NH2 ग्रुप लगा है, तो ये हमारा एनिलीन कहलाता है। तो ये हमारे फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम करते हैं ताकि फ्रोथ जो है वो जल्दी ड्राई ना हो। फिर हम यहाँ पे कलेक्टर का यूज करते हैं। तो कलेक्टर का काम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड ओर को स्टिक करो और ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो कलेक्टर जो है हमारा सोडियम मिथाइल जेनेटेड एंड पोटेशियम मिथाइल जेनेटेड होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जरा, इथाइल तो हमारा ये हो गया CH3CH2 और ओ सी डबल बॉन्ड एस एन ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। तो ये हमारा सोडियम मिथाइल जेनेटेड है। अगर सोडियम की जगह हमने के कर दिया तो ये हमारा पोटेशियम मिथाइल जेनेटेड हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है कि सल्फाइड ओर को स्टिक कर लेता है और स्टिक करके ये फ्रोथ के साथ ऊपर ले आता है। तो ये हमारे कलेक्टर का काम हो गया। फिर हम यहाँ पे एक्टिवेटर भी यूज करते हैं। तो एक्टिवेटर हम तब अप्लाई करते हैं जब जो हमारा सल्फाइड ओर है जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है उसकी फ्लोटेंट टेंडेंसी कैसी हो, पुअर हो, वीक हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जिंक सल्फाइड ओर है इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी कैसी होती है, वीक होती है। तो हम क्या करते हैं जिंक सल्फाइड का जब हम फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिक्स कर देते हैं। तो डिक्शन से होता क्या है, ये होगा क्या कि कॉपर सल्फाइड बनेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फाइड बना हुआ है तो ये क्या होता है, ये जिंक सल्फाइड ओर के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाता है। तो जिंक सल्फाइड ओर की सरफेस पे कॉपर सल्फाइड जो है वो स्टिक हो गया, तो इसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये फ्रोथ के साथ जल्दी जल्दी ऊपर चला जाता है। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिवेटर का काम। फिर डिप्रेसेंट का काम क्या होता है, तो देखो जरा डिप्रेसेंट हमारा क्या कहलाता है। तो अगर सल्फाइड ओर में एक और सल्फाइड प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटीज, तो फिर हम चाहते हैं कि वो सल्फाइड जो है वो फ्रोथ के साथ ऊपर ना जाए, इसके लिए हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। तो देखो जरा, अगर हमारा लेड सल्फाइड, ये हमारा ओर है और इसके साथ जिंक सल्फाइड की इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जिंक सल्फाइड जो है वो फ्रोथ के साथ ऊपर ना जाए, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं डिप्रेसेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिप्रेसेंट जो है या सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो होता ये है कि जो हमारा सोडियम साइनाइड है वो जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बनता है Na2ZnCn4, ठीक है, और क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड। इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे 4 लगाओगे तो जिंक यहाँ प्लस 2 में है और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां भी जिंक प्लस 2 में ही होगा, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये सल्फाइड ओर नहीं रहा, पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड जो है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये फ्रोथ के साथ ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डिप्रेसेंट का रोल हो गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका नाम है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। और यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं जब
ओर एंड इम्प्योरिटीज की वेटिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो सल्फाइड ओर जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है वो फ्रोथ के साथ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, फिर आप इसको निकाल लो, ठीक है, इसको ड्राई कर लो, ड्राई करने पे हमको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड है।